नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे और आज आपको दिखाने वाला हूं एक भव्य इमारत, एक खूबसूरत हवेली जो कभी अपनी बुलंदियों पर थी, आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन बता रही है कि उसकी खूबसूरती कभी किसी ज़माने में ऐसी रही होगी कि लोगों के पैर ठिठक जाते रहे होंगे। जी हाँ, पहले हम दिखाते हैं आपको इस हवेली के पाए हैं, आप देख रहे हैं पत्थर के पाए, नीचे इनका स्तंभ है, स्तंभ के नीचे पटिया है, पटिया के नीचे यह खूबसूरत पाए बनाने में कितना समय लगा होगा और किस प्रकार यह खड़ी की गई होगी। इधर हम बरामदे में हैं, दिखा रहे हैं पाया नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पाए हैं। भीतर कई दरवाजे आप देख रहे हैं, यद्यपि छत टूट गया है और हवेली अपने अंतिम दशा में है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। उसके पहले भीतर ले चलते हैं आपको। देखिए, सुर्खी और चूना से बनाया गया है आंगन के चारों तरफ, पक्का फर्श बनाया गया था। इधर आप देख रहे हैं यह पटिया लगा करके, यहाँ किसी सीमेंट बालू का प्रयोग नहीं किया गया है, यह पुराने दरवाजे हैं इन्हें आप देख रहे हैं, और यह मोटी दीवार। अब हम भीतर प्रवेश कर रहे हैं, या जो कड़ियाँ हैं और कड़ियों के भीतर जो छोटी छोटी कड़ियाँ हैं यह सब साखू की हैं। साखू के बारे में कहा जाता है 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल खड़ा सड़ा। सड़ने में भी 100 साल लगते हैं और 100 साल खड़ा रहता है, 100 साल पड़ा रहता है और 100 साल सड़ने में। देखिए, यह है एक साखू का है, दिखा रहा हूँ किस तरह से, यह बहुत पुराना होगा लेकिन बहुत मजबूत है, यह वजन भी काफ़ी है, गिर जाएगा तो घायल कर देगा। इधर भी आप कुछ पक्षियों का भी बसेरा, ऐसे ही भवन में पक्षियां रहती हैं। यह अलमारी हुआ करता था, जो बता रहा है कि इसकी भी भव्यता किस तरह से अच्छी रही होगी, यह साखू की कड़ी है। अब हम बाहर निकलते हैं और इस हवेली के इतिहास के बारे में भी आपको बताएँगे। हम इस समय हैं अपने गृह जनपद गाजीपुर के मनिहारी विकास खंड अंतर्गत पहतिया गांव में। यहाँ बहुत से मुस्लिम परिवार के लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में पाकिस्तान चले गए और बहुत से लोगों से अभी भी रिश्ते नाते हैं, अदा कदा उनका आना जाना लगा रहता है, बड़ा मोहब्बत है इस सरजमी से। इस ईंट को लाखौरी ईंट कहते हैं, ये छोटी छोटी पतली पतली ईंटें थीं और ऐसे उनकी जुड़ाई होती थी करीने से। और यह जो आप देख रहे हैं यह सुर्खी और चूना है, इसमें गुड़ का छोटा मिला करके कैसे लगाते थे लोग, कैसे फूंकते थे, वह पुरातन समय था जब इसी से पुलों का निर्माण होता था और बड़ा मजबूत रहता था, बहुत अच्छी इसकी जुड़ाई होती थी। इसे भी आप देख रहे हैं, ऊपर का हिस्सा है और बाहर बरामदा है। अब मैं आंगन की तरफ बढ़ रहा हूँ, इधर दिखाते हुए आपको चल रहा हूँ। देखिए, ये दीवारें हैं और कितने भव्य इसके कक्ष हुआ करते थे। अब हम आपको ले चलते हैं 1857 की क्रांति हुई थी, देश को आज़ाद कराने की महती भूमिका उसमें निभाया था मंगल पांडे इत्यादि ने, मेरठ से यह क्रांति का बिगुल फूका था उन लोगों ने। उससे एक साल पहले ही इसका निर्माण हुआ था। मोहम्मद जान साहब थे, बैरिस्टर थे, और किसी का लड़का जो फंस गया था किसी केस में, तो जान साहब ने उसकी पैरवी किया था और उसे छुड़ाया था। उसने पता नहीं सिक्का तौल करके, जान साहब का जितना वजन था उतना सिक्का तौल करके दिया था और उसी से इस हवेली का निर्माण हुआ था। यहाँ कभी अदालत लगा करती थी, ब्रितानिया हुकूमत में अदालत लगती थी, कचहरी लगती थी और यहाँ लोग आते थे, कचहरी सुनवाई होती थी, यहाँ जज साहबान बैठते थे और बैठ करके यहाँ केस सुनते थे। यह अभी दरवाज़ा आप देख रहे हैं, कितनी मोटी दीवार है, चलिए चल करके दिखा देते हैं थोड़ा सा, इसे आप देख सकते हैं कितनी मोटी दीवार है। और यह वाह, देखिए साहब क्या बना था, यह साकल है, यह पट्टियां लगा करके गजब,
इसको भी देखते जाइए, सिटकनी बोलते हैं इसको, यह चढ़ गई है सिटकनी, और इसमें लगा दिया जाएगा ताला। और यह साकल है, मतलब एक अगर खराब हुआ तो दूसरा खराब नहीं होगा, ऐसे है। चलिए, इस किवाड़ को हमने दिखाया, अब ऐसे किवाड़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ऊपर साखू की कड़ी और यह सुंदर दीवार, मिट्टी की लिपाई पुताई, इसे देखने के बाद हम आपको दिखाते हैं, ऊपर चलते हैं, एक बार देखते हैं शायद ऊपर भी कुछ देखने के लिए मिल जाए। ये है सीढ़ियाँ। हे भूत भाइयों, अगर इसमें होना तो फिर हम लोगों पर रहम करना। यद्यपि मैं ऐसी आत्माओं से मुझे कोई भय नहीं रहता, रात दिन चलता रहता हूँ, और बहुत इच्छा है कि कभी भूत दिखाई दे दें, लेकिन बेचारे दिखे रही। देखिए साहब, इधर एक मस्जिद है और इधर हम जाएंगे नहीं, कभी भी खतरा हो सकता है। जाइए ना, हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं क्या बेटा? यहीं से दिखा देते हैं। यह रहा इसका छत, यह रहा आंगन, और इधर आप देख रहे हैं इसकी भव्यता। तो यह रहा खूबसूरत महल जिसे हमने दिखाया। इस तरह से तमाम जो पुराने महल हैं उसे हम दिखाते रहेंगे। आशा है अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।